यहाँ पे टॉपिक है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे एक सिंपल फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है, मैग्नीट्यूड क्या होता है और उससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं। प्रोजेक्शन का मतलब है उसके अंदर एक स्पीड होनी चाहिए। तो यहां पर फॉर्मूला लिखा है फिजिकल टू क्यू वी क्रॉस बी, तो ये जनरल टर्म है। एफ यहां पर फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू आपका चार्ज है, वी आपकी वेलोसिटी है, बी आपका मैग्नेटिक, और एक और इंपॉर्टेंट चीज है साइन थीटा। यहाँ पे जो साइन थीटा है वो दैट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हमने ये सारे रिजल्ट्स को एक्सप्रेस किया है, क्योंकि ये एक क्रॉस प्रोडक्ट है, इस वजह से यहाँ पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगता है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का मतलब है कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में आप फोर फिंगर जो होती है, फोर फिंगर यानी ये, यानी आप देख रहे हो कि इंडेक्स फिंगर है, यानी आपकी फोर फिंगर यानी इंडेक्स फिंगर। ये इंडेक्स फिंगर जो है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं राइट हैंड को ऐसे करूं, ये मेरा राइट हैंड दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, और राइट हैंड पे ये वाली जो फिंगर होती है इसको मिडिल फिंगर कहते हैं, और ये मिडिल फिंगर वेलोसिटी नहीं मैग्नेटिक फील्ड है, और जो आपका थंब होगा ये डायरेक्शन ऑफ दी फोर्स हो जाएगा। तो ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया, मैं तो ये आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड। और ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल काफी हेल्पफुल होता है। ठीक, तो यहां पर देखो एक छोटा सा डायग्राम बना, वेलोसिटी अगर इधर है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो फोर्स इधर लगे, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल विच इज पॉजिटिव नेचर। यहां पर देखो क्या, यहां पर आपके पास जो है वो एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा उस सारी तमाम कंडीशंस के लिए जो ऊपर मेंशन करी। अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि इस कंडीशन पे, अगर आप ध्यान से देखो तो इस कंडीशन पे एक स्पेशल कंडीशन निकल के आ रही है, जिसको हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी किधर की तरफ है, इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यानी जब इस तरह की सिचुएशंस आती तो फोर्स हमारा मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है भाई, फोर्स मैक्सिमम, और इस मैक्सिमम फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो एफ इज इक्वल टू क्यू वी। अब इस फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस क्या है, इस फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस ये है कि हम इसकी मदद से मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे भाई, बी विल बी इक्वल टू, भाई यहां पे लिखा है बी विल बी इक्वल टू एफ अपॉन क्यू इन टू वी। तो ये एक फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। साथ में अगर यूनिट चाहे तो यूनिट भी लिखा जा सकता है, न्यूटन पर एम्पेयर मीटर। ये वही फॉर्मूला जिसकी मदद से आप मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं, डायमेंशन पता कर सकते हैं। अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यानी फोर्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो फोर्स की मिनिमम वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की जो मिनिमम वैल्यू है जीरो ही होगी, तो जीरो होगी कौन कौन सी कंडीशन पे। आप इसके लिए आपके चार्ज, अगर बाई चांस उस पर चार्ज नहीं है, यानी न्यूट्रॉन अगर हो गए तो फोर्स जीरो हो जाएगी। अगर हमारा चार्ज पार्टिकल जो कि चल रहा है और उसको रेस्ट पर ले आएंगे तो ऑटोमेटिकली फोर्स जीरो हो जाएगा। एक और कंडीशन है कि अगर वी और बी एक ही डायरेक्शन में है तब भी फोर्स जीरो है, और अगर वी और बी ऑपोजिट डायरेक्शन में तब भी फोर्स जीरो। तो ये छोटा सा डिस्कशन था फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।